क्या थी, ये क्या रिलीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये रिलीज पूरी दुनिया के मजहब मजाहिर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ये अपना एक मजहब लाकर खड़ा कर देते हैं। हैविंग सेड दैट, हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो ताकत है इस्लाम की। हम एक उम्मत है, उम्मत जो है टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। आप और मैं आज रहे हैं, कल नहीं रहेंगे। 1970 में मैं पैदा हुआ, 2030 में मर जाऊंगा फीस में, लेकिन जो उम्मत है वो चलती रहेगी और हम लोग जो आज करके जाएंगे वो आगे हमारे लोगों को, हमारे बच्चे, हमारे पोते पोतियां या उनसे भी अगली जो जनरेशन है वो उससे फायदा उठाएंगे। ये वो टाइम है जब हमें जागना है, हमने इस इल्यूजन में से बाहर निकलना है। ये शराब है, ये दुनिया जो हमारे लिए क्रिएट कर दी गई है, मैस मीडिया जिनकी मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में मेरे वालिदैन, मेरे दोस्त अहबाब, प्यार करने वाले लोग, वो एक शहर शहर में गिरफ्तार है। वो टेलीविजन लगाते हैं और खबरों में खबरें देख के वो इतने डरे होते हैं कि ये हमारे मुल्क में ये हो रहा है, क्या ये वाकई हमारे लोग हैं। ये डाउट पैदा होता है उनके दिमागों में कि शायद वाकई हम लोग ही टेररिस्ट हैं। और अक्सर लोग इस चीज को, हमारी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो ये बिलीव करने लग गई है कि हम ही टेररिस्ट हैं, हम ये सब कुछ कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है और इसके पीछे कोई किसी किस्म का कोई सच नहीं। हम पीस लविंग अमन पसंद कौम है, हमारे अंदर दिलों में प्यार है। मैं अपने जो दोस्त बाबों को जानता हूं, मुझे पता है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि किसी दूसरी इंसान को या इंसानियत इन जनरल को किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। मैं आप लोगों को देखता हूं, मैं आप लोगों को देख के ये कह सकता हूं पूरे वसूख के साथ कि आप इस मुल्क का फ्यूचर है, आप इस मुल्क का प्रेजेंट है और इंशाल्लाह ताला ये वेगा प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऑन बोर्ड आएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखिए कि इस डिसइंफॉर्मेशन से, जिसके बारे में आप जैसा भी आगे बात करेंगे, इस डिसइंफॉर्मेशन से बचने का तरीका सिर्फ यही है कि आप लोग मुतहद हो जाए, आप एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे की बात समझें। हम अपने रिलीजन, अपने खुदा, अपने रसूल के प्यार के प्यार में हम ये सब कुछ करने करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये कौम, ये पाकिस्तानी कौम जो है, ये पूरी दुनिया के लिए एक मशाले राह बन के उभरेगी। और ये अगले 10-15 सालों में होगा, ये इसको ज्यादा टाइम भी चाहिए। आप कैसे लोगों के बारे में सब कुछ हो रहा है, इसमें हमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप जैसे लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में भी आ गए हैं आप, ये सब लोग, ये बहुत जल्दी होगा इंशाल्लाह ताला। हम कोई किसी किस्म का जो टॉल क्लेम्स नहीं करें, हमें अपनी कैपेसिटी खुद पता है और इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, जैसा कि मैंने कहा और जैसा साहब आगे आपको इसके और बारे में और भी यकीन दिलवाएंगे कि हम पाकिस्तान और हम पाकिस्तानी लोग पूरी दुनिया के लिए मशाले राह बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच दिलीप भाई। और साथ ही से पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ू, मैं गुजारिश करूंगा आकांत जो हमारे दोस्त हैं जो कि इस कैंपेन को मैनेज कर रहे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, आकांत प्लीज आप भी हमारे साथ यहाँ पर अगर शरीक होंगे तो इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। प्लीज वेलकम। तो अब मेरा ख्याल है कि मजीद कुछ कहने की ना गुंजाइश बनती है और ना वक्त इसकी इजाजत देता है। जैद हामिद साहब की स्पीच से पहले हमने यहाँ पर आपको एक प्रेजेंटेशन दिखानी है इसी टॉपिक से रिलेटेड, जाहिर है, और वो प्रेजेंटेशन हम यकीनन इसी अजम के साथ देखेंगे, इसी यकीन के साथ देखेंगे कि मैं अगर से अभी तक जैद साहब ने अपनी स्पीच यहाँ पर नहीं की, लेकिन मैं आपको एक चीज की एश्योरेंस जरूर दे सकता हूँ कि आफ्टर 60 मिनट या जितनी भी देर बाद जब स्पीच खत्म होगी तो हमारा जो एनर्जी लेवल इस वक्त है उससे यकीनन वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा और हमारा जो मायूसी का लेवल इस वक्त है वो यकीनन उससे बहुत ज्यादा कम हो गया होगा। तो आइए ये प्रेजेंटेशन हम देखते हैं इस अज़म के साथ, इस यकीन के साथ कि इस पाक सरजमीन को, इस किश्वर हसीन को हम मजीद हसीन बनाएंगे और क्यों ना बना पाए कि इस पर साया खुदाए जुलजलाल जो है, जो कि कायनात की सबसे बड़ी हस्ती है, उसका साया है इस सरजमीन पर, उसका साया है इस सरजमीन के नौजवानों पर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेक अप पाकिस्तान वीडियो प्रेजेंटेशन। अरेंजमेंट में एक
few minutes, उसके बाद हम कुछ नहीं चलता पार्टी बोलो पार्टी कुछ नहीं होता। हाँ हैंडीकैम है, हैंडीकैम है क्या? नहीं वो कौन सा नहीं। हाँ अच्छा मतलब भारतीय तो निकलना है ना, भारतीय की जिंदगी हमारी, इसलिए तो लिहाजदारी करो वरना बात भूलेंगे। तो करने भाई अपना I'm